नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। और दोस्तों थोड़ा सा बिजी था इसलिए आपकी मॉर्निंग वीडियोस नहीं बना पाया था। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके टॉपिक्स हैं कट ऑफ और कैसे आप, अगर मान लीजिए आपके जो स्टेज वन के जो रिवाइज किए आने के बाद भी जो आपके मार्क्स हैं कम हैं, वो उसके बाद भी आप कैसे अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, वो मैं आपको 110% बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि वो करेक्ट किया, आप उसे कैसे करेक्ट कर अपने आप को सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम हैं तब भी। और इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि अगर ARO कट ऑफ में मार्क्स कम है तो निराश ना हो। और ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ और बच्चे लिखते हैं कि सर आई एम फर्स्ट व्यूअर ऑफ योर वीडियो। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग उन वीडियो को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, उनसे अपना जो भी लाभ उठा सकते हैं उठाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बच्चे नहीं कहूँगा मैं, कुछ शरारती तत्व हैं ये लोग। दरअसल बात क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे चैनल यहाँ पर सेटल हैं जो चल रहे हैं अलग अलग चीज़ों पर, चाहे स्टडी की हो चाहे कुछ भी हो। तो कुछ उनके ही ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कह लो या उनके कोई व्यक्ति विशेष होते हैं जो दूसरे के नए जो मान लीजिए चैनल चल रहे हैं या जो नई ग्रोथ कर रहे हैं, चैनल अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी अच्छी रैंक आ रही है यूट्यूब पर, तो उनको निगेटिव कमेंट्स कर निगेटिव फीडबैक देकर उनका कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना एक मतलब कोई गंभीर इंसान नहीं है तो उसको तो आप करो तो उसको समझ में आती है, लेकिन हर व्यक्ति इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। मैं ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कहाँ अपना समय ख़राब कर रहे हो आप, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी को कुछ कहने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है और ना सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ेगा। YouTube ने बड़ा अच्छा एक ऑप्शन दे रखा है तुम जैसों के लिए, हाइड यूज़र वाला, कभी ज़िंदगी में कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, किसी दूसरे को समझाने की कोशिश मत करो। अगर किसी का भी कोई काम आपको अच्छा लग रहा है तो उसे अपनाओ और उसे फॉलो करो, अगर नहीं लग रहा है तो मत देखो उसे। तुमसे कोई तुम्हारे घर पर जाकर तो बताने जा नहीं रहा है कि भाई तुम हमारी वीडियो देख लो, तुम ही आके ढूंढते फिरते हो ना इस चीज़ को। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो देखो, नहीं अच्छी लग रही है तो वीडियो को मत देखो। अब बात करते हैं दोस्तों अपने काम के विषय पर। मैं आपको एक बहुत अच्छी राय दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको हुई हो क्या रहा है। जिन लोगों के 150 160 नंबर ARO स्टेज वन में आए हैं उन लोगों के कमेंट देखें आप किसी भी चैनल पर जाकर, तो उन लोगों के कमेंट क्या है कि सर हमारे 150 नंबर आए, हमारे 160 नंबर आए, हम कितने और नंबर ले आए कि हम क्वालिफाई कर जाएं। यानी कि जो लड़के लड़कियां 160 150 165 नंबर ला चुके हैं ना, उनका जो सोच है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो अब 30-35 की टाइपिंग के चक्कर में है कि किसी तरीके से हमारे टाइपिंग में 30-35 नंबर आ जाए। अब दोस्तों देखो फ़र्क क्या पड़ेगा इससे, अगर वो 30-35 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके 25 ही नंबर आने हैं, मैं आपको बताऊं। और जो उनकी कट ऑफ बनेगी उसके बाद, अगर 150 मार्क्स मान लीजिए किसी ने गेन करे हैं, 160 मार्क्स किसी ने गेन करे हैं, तो उसकी जो कट ऑफ होगी वो होगी 150 में आप मान लो 25 या 30 नंबर जोड़ भी दो तो 175 और 180, और इस हिसाब से वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनका सिलेक्शन होना बिल्कुल नामुमकिन है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे वो लोग 30-35 की करेंगे तब भी उनकी 180 के ऊपर जाएंगे। लेकिन जो कट ऑफ है दोस्तों, आप कोई बुरा माने या भला माने, लेकिन ये सच है कि कट ऑफ तो आपकी जो है 190 के आसपास ही जानी है। जो लोग सोच रहे हैं आज भी, जो उन्हें चैनल वाले बता देते हैं ना कोई कोई 170 जाएगी और 160 जाएगी, उस पर बड़े खुश होते हैं लोग कि हाँ भाई यहाँ हमारे भी नंबर आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये आपको एक झूठा तोहफा है, क्योंकि 160 170 कट ऑफ का कोई मतलब बनता नहीं है। इस बार कट ऑफ 190 के ही इर्द गिर्द रहनी है, एक दो नंबर इधर एक दो नंबर उधर। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, जो लोग 140 नंबर ला रहे हैं, ठीक है ना, 135 या 140 के नंबर वाले हैं, और अगर वो अपनी मेहनत करके 40 की टाइपिंग गेन कर लेते हैं अच्छे से फॉर्मेटिंग के साथ, मैं तो कह रहा हूँ 35 की भी कर लेते हैं, तो वो लोग 45 नंबर तक गेन कर जाएंगे और वो 185 के ऊपर पहुंच जाएंगे। और अगर 140 हैं 185 हैं तो उनके चांसेस उनसे ज़्यादा बन जाएंगे जो 170-175 बैठ रहे हैं। तो दोस्तों आप सब, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिनके मार्क्स कम हैं 140 से 145 हैं, आप लोग टाइपिंग में जी जान झोंक दीजिए। आप कोशिश ये करिए कि आपको 50 में से 50 नंबर लाने हैं, क्योंकि अगर आप 50 में से 50 की तैयारी करेंगे तो आपके 45 नंबर तो हर हालत में आएंगे ही आएंगे, और तब आप 160 और 170 नंबर जो स्टेज वन में लेकर आए हैं बच्चे, उन्हें कम्पीट कर सकेंगे, उनके साथ कंपटीशन कर सकेंगे और अपनी जगह बना सकेंगे। तो दोस्तों टाइपिंग में जी जान झोंक दीजिए, आपके नंबर स्टेज वन में चाहे जितने कम हैं
अगर आपने क्वालिफाई कर दिया स्टेज वन का रिजल्ट, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता, अगर आपने टाइपिंग में मेहनत दिल से करी है तो। तो इसलिए आप स्टेज वन की जो आपके मार्क्स हैं उसकी चिंता छोड़कर सीधे टाइपिंग में लग जाइए, और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा उसकी टिप्स भी क्या हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस करो दिल लगाकर।